हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछली क्लास में किया था टेम्परेचर की डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी पे। कुछ हमने छोटे छोटे टॉपिक्स किए थे करंट डेंसिटी, और हमने साफ किया था रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम चलते हैं हमारे पास EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेल। क्लियर है? आप सबने घरों में सेल देखा होगा, ना केवल सेल देखा होगा, आपने उसको तोड़ के भी देखा होगा। चाहे हम रेडियो में सेल डालते हैं, चाहे हम डालते हैं घड़ी में सेल डालते हैं, टॉर्च में सेल डालते हैं, बड़े वाला मोटे वाला, आपने उसको तोड़ा होगा तो उसके अंदर आपको क्या मिली होगी? एक तो रॉड मिली होगी, पतली सी ब्लैक कलर की मिली होगी। एक उसके अंदर आपको ब्लैक कलर का ही क्या मिला होगा? पाउडर मिला होगा। क्लियर है? तो वो रोड होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। वो इस टाइप से होता है हमारा सेल। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे होता है ना, एक रोड होती है उसमें ऐसे सीधी बिल्कुल बीचों बीच, और यहां उसमें सारा क्या भरा होता है? ब्लैक कलर का पाउडर भरा होता है। क्लियर है? इस सेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोड है, सिंगल इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब होता क्या है उस सेल के अंदर? ये जो पाउडर होता है ना, ये केमिकल होता है। क्या होता है? ये केमिकल। इस केमिकल में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं, उनको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। उन केमिकल रिएक्शंस से क्या निकलती है? केमिकल एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? यानी हमारे पास सेल क्या है? सेल एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पहली चीज हम लिखते हैं, व्हाट इज सेल? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल। उसे हम क्या कहते हैं? सेल। अब हमारे सिलेबस में है ना, मैं ना सेल की जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना। हमें यह पढ़ना है कि सेल को अगर हम सर्किट में जोड़ते हैं, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन दैट सेल, या वो सेल सर्किट में क्या क्या इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। ये है हमारा काम। तो इसलिए हम सेल की एक नॉर्मल सी बनावट फटाफट से समझ लेते हैं, हम ज्यादा उसके डीपली नहीं जाते। ठीक है? क्लियर? तो फटाफट से हमारे पास सेल है ना, किसी भी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास तीन चीजें होती है। पहली चीज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये वो टैंक होता है, या ये वो वेसल होता है, जिसमें हमारे पास क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल प्लेट्स होती हैं एक तरह की। क्या होती है? मेटल प्लेट्स। केमिस्ट्री में आप इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, फिजिक्स में हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ने की जरूरत। जो हमें पढ़ने की जरूरत है वो हम कर रहे हैं। क्लियर है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक और एक क्या होते हैं आपके पास? दो इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है? फिर हमने इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है? एक सॉल्यूशन भरा होता है। क्लियर? ये सॉल्यूशन कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। किस चीज का सॉल्यूशन हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। एक सॉल्यूशन भरते हैं इसके अंदर, जैसे नॉर्मली मैंने बताया था ना, ग्रेफाइट, सॉरी वो सिंपल सेल होता है, उसके अंदर वो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सारी रिएक्शंस इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होती है। ठीक है? और इन इलेक्ट्रोड से हमने क्या जोड़ दिया यहां पर? एक
इलेक्ट्रॉन से हमने जोड़ दिया यहां कोई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप बल्ब जोड़ दीजिए, आप पंखा जोड़ दीजिए, आप कुछ और जोड़ दीजिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो जरूर होगा। क्लियर, बोलिए। अब क्या होगा, हम ज्यादा डीपली नहीं जाते, हम पढ़ते हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। उन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके पास, NaCl एक्वस, डाइल्यूट नहीं, एक्वस NaCl है हमारे पास, ठीक, कंसंट्रेटेड, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl, कंसंट्रेटेड NaCl, ठीक है। तो हमने इस पर डाला तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो नेगेटिव है ना वो जिस प्लेट की तरफ जाएगा, मान लीजिए वो इधर गया, वो क्या हो गया आपका, पॉजिटिव टर्मिनल, क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव है आपका, मान लीजिए वो इधर गया, तो वो क्या होगा आपका, नेगेटिव टर्मिनल। अब ये इधर क्यों जाएगा, ये इधर क्यों जाएगा, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, हम इसको ज्यादा डीपली नहीं लेते, ठीक है, क्लियर। जो पॉजिटिव प्लेट होगी आपके पास वो हो जाएगी आपकी एनोड, जो नेगेटिव प्लेट होगी आपके पास वो हो जाएगी आपकी कैथोड, क्लियर है। तो इस तरह से इसके अंदर आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयंस का मूवमेंट, क्लियर। और आपको पता है जब आयन मूव करेंगे तो उनके साथ चार्ज मूव करेगा, क्या मूव करेगा, चार्ज। जब चार्ज मूव करेगा तो इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो। यह सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ज्यादा डीपली नहीं जाते। अब करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, करंट ड्रॉन या फ्लो थ्रू ए सेल, थ्रू ए सेल डिपेंड ऑन नंबर वन, पहली चीज वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, किस पर, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पर, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। फर्स्ट डिपेंड करेगा किस पे, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी जो मेटल प्लेट्स आपने ली है, ठीक है। सेकंड डिपेंड करेगा किस पर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और थर्ड डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीन चीजों पर आपका मेनली डिपेंड करेगा सेल ड्रॉन फ्रॉम ए, करंट ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। अब ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइट लगातार आयंस में टूटता जाएगी, जैसे जैसे आयंस की कंसंट्रेशन लो होती जाएगी, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटता जाएगा वैसे वैसे सेल से करंट ड्रॉन की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयंस में टूट जाएगा तो हमारा सेल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा सेल, डिस्चार्ज, खत्म हो जाता है सेल। कुछ सेल चार्जेबल होते हैं, उनको चार्ज किया जा सकता है, कुछ सेल को हम यूज नहीं कर सकते, उनको हम फिर फेंक देते हैं। तो करंट टेकन फ्रॉम ए सेल विल डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्लियर है। अब चलते हैं हम ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल करें, चलिए आइए देखते हैं। अब आपको ये तो हमने सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं कि सेल को हम किससे डिनोट करेंगे। तो नॉर्मली हमारे पास एक सेल डिनोट किया जाता है इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से हम एक सेल को डिनोट करते हैं।
और ऊपर ये हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आर। क्लियर है? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे समझते हैं। अब मान लीजिए हमने यहां पर एक की लगा दी, बटन की के। क्लियर? अब ये सेल हमारा 10 वोल्ट का है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेल इज ऑफ 10 वोल्ट। कितने का? 10 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका नॉर्मली मतलब होता है प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। ये है हमारे पास, एक टर्मिनल प्लस 5 वोल्ट का है, एक टर्मिनल माइनस 5 वोल्ट का है। लेकिन हम इसको इजी करने के लिए और सॉल्यूशंस को इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं प्लस 10 वोल्ट एंड 0। नॉर्मल केस में हम ऐसा करते हैं, ठीक है? इससे क्या हो गया, हमारा ये सेल 10 वोल्ट का हो गया। कितने का? 10 वोल्ट। अब मान लीजिए हमें इस सेल की वोल्टेज का नहीं पता है और हमने क्या किया है, ये लीजिए ये सेल वापस से लगा दिया। क्लियर? और यहां पर हमने एक लगा दिया वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। की के को हमने क्या कर दिया? ऑफ। फर्स्ट केस, व्हेन की के इज ऑफ। की के क्या है? ऑफ। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट कीजिए। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर दैट रीडिंग विल बी ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मान लीजिए हमने सेल को क्या कर दिया, की को कर दिया ऑफ। अब हमने रीडिंग नोट की, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच का, और इसको लीजिए हाँ जोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है? इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या देगा आपको? वोल्ट मीटर देगा। जो रीडिंग आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? ईएमएफ। क्या कहलाएगी? ईएमएफ। मैं एग्जांपल के लिए कह देता हूं, ईएमएफ को डिनोट करेंगे ई से। मान लीजिए ये रीडिंग आई 12 वोल्ट। कितनी आई? 12 वोल्ट। मान लीजिए एग्जांपल मैं इधर चलाऊंगा, ये समझा रहा हूं, ठीक है? देन ईएमएफ इज डिफाइंड एज potential difference between the electrode of cell. When मतलब कब? हमने की के को ऑफ कर दिया, की के को ऑफ कर दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला इस तरफ गया आई, यहां जाके क्या आ गया? की के मिली ऑफ। ऑफ का मतलब आपके पास सेल में से हम कोई करंट नहीं ले रहे, सेल में से हम कोई करंट नहीं ले रहे, सेल में से हम करंट नहीं ले रहे। और हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया है। इसका मतलब इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब सेल में से कोई करंट नहीं लिया जा रहा हो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा ईएमएफ। क्या कहा जाएगा? ईएमएफ। सो द ईएमएफ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। व्हेन? कब? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल में से हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते, तब इसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई से। यूनिट इज वोल्ट।
इज वो। तो किसी भी सेल का ईएमएफ कब होगा, जब उन सेल से कोई करंट नहीं ले रहे और उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माप, तो वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। मींस सेल को हमने किसी सर्किट में नहीं जोड़ रखा है, सिंपल हमने सेल लिया, मान लीजिए ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, यहां हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, करंट नोट कर लिया, सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग नोट कर ली, वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये क्या आ गया इस सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इससे हम कोई करंट नहीं ले रहे, सिंपल इसके इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माप लिया, क्लियर है। सेकेंड केस हमने क्या किया, व्हेन की के इज ऑन, हमने की के को क्या कर दिया ऑन, हमने क्या कर दिया की के को ऑन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगेन। अब ये की के क्या है, ऑन है, रीडिंग दोबारा से नोट करो। अब क्या होगा, सेल में से करंट जाएगा आई, यहां से गया आई, ये आया करंट आई और यहां सर्किट पूरा हो गया, क्लियर है। बोलिए अब क्या होगा आपके पास, अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा ना, वो रीडिंग कहलाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो रीडिंग क्या कहलाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। की के को ऑन कीजिए, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट कीजिए, दैट रीडिंग विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। वो रीडिंग क्या होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब एग्जांपल फिर चलते हैं, पहले की के ऑफ थी तो जो रीडिंग आई थी वो थी ईएमएफ 12 वोल्ट एग्जांपल के लिए। अब हमने क्या किया, की के को ऑन किया, फिर से रीडिंग नोट की रीडिंग आई 10 वोल्ट। हमेशा आपकी रीडिंग सिर्फ एक केस को छोड़ के कम आएगी, एक केस और बताएंगे क्या है। तो जो रीडिंग आई ना अब 10 वोल्ट, ये कहलाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट मींस इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन, कब, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल में से की को ऑन करके हम करंट ले रहे हैं, तब हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ, बोलिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और वो रीडिंग एग्जांपल के लिए 10 वोल्ट, जब हमने की को ऑफ किया तब नोट की रीडिंग वोल्टमीटर की, तो ईएमएफ, की को ऑन किया अब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से, नोट की रीडिंग टर्मिनल पोटेंशियल वी बराबर 10 वोल्ट। अब ये ई 12 वोल्ट आया, वी 10 वोल्ट आया, बीच का 2 वोल्ट कहां गया, वो वोल्टेज हमारी कौन खा गया, ये है क्वेश्चन। क्लियर हुआ, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, और इसी क्वेश्चन में समझते समझते हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ जाएगा। ठीक है, करें, चलो करते हैं। ये एग्जांपल यही लिखा रह देता हूं, इसी एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, तो याद कीजिए हमने शुरू में ही किया था, क्या किया था कि किसी भी सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्लियर है, जिसको हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट एक टैंक में रखते हैं और क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। और यहां हमने क्या लगाया था, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यही है केस, सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर है। अब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, ये गया, ये गया,
यहाँ आया, नेगेटिव पे नहीं आके रुकता, फिर ये बीच में, दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या आ गया, ये वाला एरिया इलेक्ट्रोलाइट आ गया। क्या आ गया? इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला आ गया ना। तो करंट इस इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है और यहां तक जाता है। क्लियर? एक्चुअल में करंट नहीं जाता, आपको पता है चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करता है, ऐसा ही होता है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल यहां से फ्लो होंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट इसको ओपोज करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? ओपोज करेगा। किसको? चार्ज पार्टिकल के फ्लो। अब ये ओपोज करेगा चार्ज पार्टिकल के फ्लो को, दैट ओपोजिशन इज नोन एज, ये ओपोजिशन क्या हो रही है? सेल के अंदर हो रही है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। तो दैट ओपोजिशन इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अंदर ही करंट के फ्लो का विरोध, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके पास? इट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। इलेक्ट्रोलाइट है ना, करंट के फ्लो को ओपोज करेगा, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज, दैट ओपोजिशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल आर से। यानी इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो फ्लो ऑफ करंट या चार्ज पार्टिकल को ओपोज किया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में, ये नेगेटिव में पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये लगा दिया मैंने, उसको कहते हैं स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है ये? इंटरनल रेजिस्टेंस, ओपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए हमने कहा था करंट टेकन फ्रॉम ए सेल डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, और उनमें से एक क्या था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा ओपोज करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम ओपोज करते हैं। तो ज्यादा ओपोज करेंगे उनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, जो कम ओपोज करेंगे उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। क्लियर है? चले आगे। इसके बाद क्या है हमारे पास? इट इज डिनोटेड बाय आर। अब आते हैं इस पर कि जब की ऑफ थी हमारे पास तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिला 12 वोल्ट, जब की ऑन थी हमारे पास तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिला 10 वोल्ट। ये 2 वोल्ट कहां गया? वेयर दिस 2 वोल्ट हैड गॉन। ये कैसे समझा? ठीक है, उसके लिए मैंने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस समझिए। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में करंट ऑफ फ्लो को ओपोज करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में यहां पर इलेक्ट्रोलाइट फ्लो ऑफ करंट को ओपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब आते हैं इसी क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। अब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। ए मिटा दिया मैंने, हम सेल में से करंट ले रहे हैं, ये भी मिटा हुआ है, ये ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, जब इसमें से कोई करंट नहीं लेंगे तो ईएमएफ 12 वोल्ट। क्लियर? तब हमारे पास क्या होगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना मिलेगा? 12 वोल्ट। जैसे इसमें से हम करंट लेने लग जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में? 10 वोल्ट। उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। क्लियर है? 12 क्या है आपका? EMF E is equal to, ये है V terminal potential difference। ये कहा गया? ये कहा गया? सुनिए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, ये गया I, यहां से गया I, नीचे आया,
यहां आया नेगेटिव टर्मिनल तक आया, यहां से देखेगा जब नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएगा तो इसको एक स्मॉल सा रेजिस्टेंस मिला आर, मिला आर। उस करंट जो सेल में से या सर्किट में से फ्लो हो रहा है उसको स्मॉल सा रेजिस्टेंस मिला आर, तो आई इंटू में आर एक बहुत छोटी सी वोल्टेज बन गई। क्या बन गई? वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस में से क्रॉस होता है तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप जरूर होता है। तो ये जो आई गया इसके अंदर से छोटा सा रेजिस्टेंस आर, आई इंटू में आर क्या हो गया, थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप हो गई किसके अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जहां हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं थोड़ी सी वोल्टेज कौन खा गया, सेल खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आर इंटू में आई वोल्टेज बन गया, अभी इसी को चुआ गया, तो थोड़ी सी वोल्टेज कहां ड्रॉप हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गई। क्लियर है? बोलिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये दो वोल्ट ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसको मैं लिख सकता हूं वी इज इक्वल प्लस आई इंटू में आर। क्लियर है? यानी ईएमएफ 12 वोल्ट है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, बीच का 2 वोल्ट कहां गया, जब सर्किट में से करंट फ्लो होता है। अगर करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, यहीं पे आपने कट कर दिया, की लगा दी, ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से क्या होगा, करंट जाएगा ही नहीं, करंट नहीं जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, नहीं होगा तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, 12 वोल्ट। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होने लग गया, अब इस सर्किट सॉरी इस सेल के इलेक्ट्रोलाइट में से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट का या इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो आई इंटू में आर थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। कौन खा जाएगा? सेल खा जाएगा। खाता नहीं, सिंपल भाषा में हम खाता कह देते हैं, लेकिन उस छोटे से रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा क्या आ जाएगा, VE is equal to V plus IR. क्या जाएगा? E is equal to V plus IR. और ये दो वोल्ट कौन खा गया, छोटा सा रेजिस्टेंस R, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। बोलिए, चलो आगे। चलिए अब एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन आ गया Why EMF E is greater than V? EMF is greater than terminal potential difference. सिंपल साइंस हो रहा है, क्योंकि जब EMF होता है तो करंट नहीं लेते हम सेल में से, करंट नहीं लेते तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है ना, बिकॉज व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल then a small voltage is dropped across the internal resistance of the cell, cell के internal resistance के across drop हो जाती है, that's why E is greater than V. इसलिए हमारा EMF क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? चले आगे, चलो चलते हैं अब आगे। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज समझ में आई, सो वी कैन से दैट अभी हमने कहा था जब सेल में से करंट नहीं लिया तो 12 वोल्ट आया था, 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, ये तो एग्जाम्पल के लिए। एक्चुअल में हमारी कंडीशन क्या बनी है, वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। क्लियर? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? चले आगे। तो अब हमारे पास दो चीजें निकालेंगे, हम इसी केस में दो चीजें निकालेंगे। पहली क्या निकालेंगे,
नंबर वन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है, एक सेल में से कितना करंट ड्रॉ होगा। चलिए मान लीजिए हमने एक सेल ले लिया जिसका ईएमएफ कितना है ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगा वी। एक सेल लिया हमने जिसका ईएमएफ है आपके पास ई, करंट फ्लो हुआ आई, टर्मिनल पोटेंशियल सॉरी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, ठीक है। लेट ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि सेल से हमने टॉर्च जोड़ रखी है, तो टॉर्च के बल्ब का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेल से हम रेडियो चला रहे हैं, सेल से हम कोई लाइट जला रहे हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होता है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर? देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई टोटल। देखें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला हमारा, ये चला आई, इसमें से इस रेजिस्टेंस में से कितना गया आई, नीचे आया आई, ये चला इस रेजिस्टेंस में से भी कितना गया आई, सेम करंट गया इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में से सेम करंट गया, दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट गया, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर। क्लियर? सो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये हमारा क्या हो जाएगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल I इज इक्वल टू ई होम आर प्लस आर। क्लियर? एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन देखते हैं। देखें क्लियर चलें। सो हमें क्या पता है, अभी हमने कहा था क्या कहा था 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, 12 क्या था हमारा ई एम एफ ई वी प्लस आई आ, ये आस इंटरनल रेजिस्टेंस का हमें क्या निकालना है एक्सप्रेशन निकालना। चलिए देखते एज वी नो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, एज वी नो ठीक है वी को इधर ले आओ, ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? ये आर क्या है स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल सॉरी, ये आ गया ई माइनस वी अपॉन आई, फर्स्ट थिंग। क्लियर? इसके बाद हमारे पास क्या है, आई को मैं क्या लिख सकता हूं, पहला आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू लिख दिया वी बाय आर, टोटल करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर। क्लियर? यहां से आ जाएगा आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इन टू में आर, एक ओवर आ गया आपके पास, ठीक है। और तीसरा ओवर निकाल लू स्मॉल आर, ये वी क्या है दोनों का डिनोमिनेटर, तो इसको लिख सकते हैं ई बाय वी माइनस वी बाय वी इंटू में आर, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू ई बाय वी माइनस वन इंटू में। तो आपके पास तीन एक्सप्रेशन आ गए इंटरनल रेजिस्टेंस, एक आ गया आपके पास क्या
करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये थी हमारे पास सेल से जुड़ी हुई नॉर्मल जानकारी, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कि हमने एक सेल को दूसरे सेल के साथ सीरीज में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, करिए।